आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सब लोगों के साथ आप बातचीत करने का समय निकाला। अभी जो जानकारी हम लोगों को मिली, जो केंद्रीय अधिकारियों ने दी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी सरकार, हमारे अधिकारी और हम सब लोग केंद्र सरकार के साथ बहुत तालमेल मिला के काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार से हमें समय समय पे दिशा निर्देश मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पहली बार हो रही है और इसके बारे में जानकारियां बहुत कम हैं और केंद्र सरकार के पास जाहिर तौर पे सबसे ज़्यादा जानकारी इस वक्त है। तो जो निर्देश समय समय पे हमें दिशा निर्देश मिले, वो सभी दिशा निर्देश हमने पालन किए अक्षरशः। अभी तक हमारे पास टोटल 17 केसेस दिल्ली में हुए हैं और इसमें 17 में से केवल 2 केसेस कॉन्टैक्ट वाले हैं, बाकी 15 केसेस जो हैं वो बाहर से आए हुए यात्री थे। मैं समझता हूँ कि शायद इस मामले में बॉम्बे और दिल्ली, ये 2 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर के से आने वाले यात्री यहीं उतर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि कॉन्टैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अभी ये फैलना बहुत कम, अभी फैल नहीं रहा, ये कंटेनमेंट की स्टेज पे है। जितने यात्री आते हैं उनमें से जो यात्रियों को क्वारंटाइन करने के लिए केंद्र सरकार से दिशा निर्देश मिलते हैं, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है और उसकी अभी हमारी काफ़ी कैपेसिटी है, उसकी कोई कमी नहीं है। अगर और भी जितने भी क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाएगा, उन सबको हम क्वारंटाइन कर देंगे। अभी करीब 768 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें से केवल 222 ही ऑक्यूपाइड हैं। तो और भी अगर क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं। इनके जितने कॉन्टैक्ट्स बाद में आते हैं और सस्पेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। हमारी फील्ड में 800 के करीब टीम्स हैं जो कि इनके घरों में जाके और इनके ऊपर नज़र रख रही है। और एक जो चिंता का विषय था आज प्रेजेंटेशन में, जो बताया गया कि अगर बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हम स्टेज 3 पे पहुंच जाते हैं तो या स्टेज 4 पे पहुंचते हैं तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमें अपने अस्पतालों के अंदर तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी भी तैयारी करने के लिए हम लोगों ने उचित व्यवस्था करने की कोशिश की है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास उतने वेंटिलेटर्स, उतनी आईसीयू के बेड्स वगैरह सब हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। मेरी बस यही एक जो सबसे चिंता का विषय है वो ये कि इसकी वजह से अगर ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन और चलता है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये लंबे समय चलता है तो इसका खासकर गरीब तबके के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी किया था। उसे कैसे डील किया जाएगा, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद सभी मुख्यमंत्रीगण इसके बारे में चिंतित होंगे। तो इसके बारे में हम सबको मिलके कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी से अंत में यही निवेदन करूँगा कि अगर, क्योंकि अभी हम ऑन अ डेली बेसिस ये सिचुएशन चेंज होती जा रही है और अभी दिखाया गया कि किस तरह से, आपने बताया कि अमेरिका के अंदर 5-5 दिन के अंदर, 1 मार्च को कुछ था, 5 मार्च को कुछ था, फिर 10 मार्च को कुछ था, अगर हम इसी तरह से कम हफ्ते में एक बार इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए तो हम लोगों को आपस में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस तरह से अभी पूरा देश और सभी सरकारें, और चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब लोग मिलके हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, हम इसी तरह से अगर एक टीम की तरह काम करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा।